गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रेखा शर्मा, आई एम योर एसएस टीचर। सो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फिट एंड सेफ एट देयर होम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज चैप्टर नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन एंड लाइफ वाइल्ड लाइफ यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ये जो चैप्टर है बच्चों, इसके मोस्टली टॉपिक जो है हमारा जो पिछला चैप्टर था क्लाइमेट, उसके बिल्कुल मिलते जुलते टॉपिक हैं। क्योंकि पिछला चैप्टर था हमारा क्लाइमेट यानी जलवायु, तो जलवायु जो है उसका इफेक्ट पूरे अर्थ पे पड़ता है, यानी जो वेजिटेशन है उस पर भी, जो वाइल्ड लाइफ है उस पर भी, जो ह्यूमन बींग है उस पर भी। तो मोस्टली जो दोनों ही चैप्टर्स हैं उसमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड लाइफ वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में बच्चों हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, दोनों की चीज़, उसके अलावा वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है, और फिर बच्चों कुछ ऐसे जैसे फ्लोरा और फ्यौना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ साथ में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों पे ही इफेक्ट डालते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, उसमें पहले हम रिलीफ पढ़ेंगे, फिर क्लाइमेट पढ़ेंगे। क्लाइमेट में भी काफ़ी सारे, जैसे टेम्परेचर हो गया, परसिपिटेशन हो गया, उसके अलावा ह्यूमिड जो हमारा क्लाइमेट है उसमें भी, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके साथ साथ कुछ हम वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में फोटो पीरियड क्या होता है, परसिपिटेशन मैंने आपको बताया वो, और साथ साथ जो हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड शर्ब, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब इसमें वेजिटेशन के साथ साथ हम क्या चीज़ें और साथ में पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ है, किस किस प्रकार के जानवर हैं जो हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं, या डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं, या माउंटेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो हम वेजिटेशन के साथ साथ उस पर जो फैक्टर्स होते हैं वो भी, और उसके अंदर कौन कौन से वाइल्ड लाइफ रहती है, कौन से फॉरेस्ट के अंदर, कितने टेम्परेचर पर हमें वो मिलता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, नेचुरल वेजिटेशन, आप लोगों ने बहुत सारे हर जगह टाइप्स ऑफ ट्रीज हो गए, बुशेज हो गए, छोटी झाड़ियाँ हो गई, घास फूस हो गया, या बर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं अपने आसपास, चाहे आप स्कूल में देख लो, चाहे आप पार्क में देख लो, या चाहे आप फिर किसी खेत में देख लो। अब एक बात बताइए, क्या ये सारी चीज़ें सिमिलर हैं? नहीं, सिमिलर नहीं होती है, हमें उनके अंदर भी काफ़ी वेरिएशन मिलते हैं। अगर हम वेजिटेशन की बात करें, वनस्पति की बात करें, तो उसमें भी हमें बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। वहीं पे अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो उसमें भी हमें काफ़ी सारी वैरायटी मिलती है, जस्ट लाइक हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। लेकिन हम सबके अंदर कुछ भी चीज़ें सिमिलर नहीं होती हैं, सभी चीज़ें जो हैं वो अलग होती हैं, वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। अब बच्चों, अब बात करते हैं हम इंडिया की। तो इंडिया में आपको पता है, जो इंडिया है एक काफ़ी बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है, और जब इंडिया, जैसे कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरी है। रिलीफ फीचर्स की बात करें तो माउंटेन भी है, प्लेन एरिया भी है, डेजर्ट भी है, हमारे आइलैंड भी है, कोस्टल लाइन भी हमारी काफ़ी बड़ी है। तो जब सारी चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा वैरायटी में मिल रही है, तो हमारे यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है या जो वेजिटेशन है वो भी हमें काफ़ी वैरायटी में मिलती है। अब बच्चों, इंडिया का जो है वो 12th नंबर है, अगर हम वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड के व्यू से बात करें तो इंडिया का 12वां नंबर आता है हमारी वनस्पति और वाइल्ड लाइफ के उसमें। अब क्या क्या है देखिए, 47,000 जो है हमारे पास प्लांट के स्पीसीज है, यानी प्लांट्स की प्रजातियाँ 47,000 हमें मिलती है, और इंडिया का 10th प्लेस है वर्ल्ड के अंदर। और अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट एशिया, अगर सिर्फ हम अपने कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया की बात करें, तो एशिया के अंदर इंडिया की 4th पोजीशन आती है प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे इंडिया में 47,000 जो है प्लांट्स के अंदर वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। अब इंडिया के अंदर बच्चों बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जो फ्लावर वाले होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं
जिसमें फ्लावर हमें देखने को नहीं मिलते, जैसे फर्न्स हो गया, एल्गाई होते हैं, फंगी हो गई, तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके ऊपर फूल नहीं लगते हैं। अब हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इंडिया के अंदर बच्चों 90,000 स्पीसीज मिलती हैं हमें एनिमल की। हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल रही है, और जो फिशेस हैं, फिश जो होती है उसके अंदर भी हमें काफ़ी वैरायटी मिल रही है। कुछ होती है फ्रेश वाटर की और कुछ होती है मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर जो रिवर का वाटर होता है उसको फ्रेश वाटर कंसीडर किया जाता है, एंड मरीन वाटर जो है वो ओशन का यानी जो नमक वाला पानी होता है उसको मैराइन वाटर कहा जाता है। अब बात आती है बच्चों वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है या नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। तो बच्चों नेचुरल वेजिटेशन वो प्लांट होते हैं या वो प्लांट की कम्युनिटी होती है जो अपने आप लग जाती है विदाउट ह्यूमन एड, यानी बिना किसी इंसानी मदद के जो अपने आप उग जाती है उसको बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन। और जिस पे बहुत दिनों तक ह्यूमन का कोई टच या कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट की जाती ह्यूमन द्वारा बहुत लंबे टाइम तक, उसको बोला जाता है वर्जिन वेजिटेशन। अब एग्जांपल के लिए देख लो बच्चों, आपने अगर हम घर पे कोई या हम सब फार्मिंग करते हैं, खेतों में जब हम अनाज लगाते हैं, सोइंग करते हैं सीड्स की, तो उस टाइम के कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जब हमारी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करती हैं तो उस टाइम पे हमें काफ़ी सारे ऐसी वेजिटेशन मिलती है जो हमने कभी लगाई नहीं है, बिना एफर्ट्स के जो लग जाती हैं, उनको हम वीड्स भी बोला जाता है साइंटिफिक नॉलेज में, साइंटिफिक वे में। तो वो वीड्स जो होती हैं वो हमारी नेचुरल वेजिटेशन होती है जो बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, बिना हमारे लगाए, जो अपने आप लग जाती है, जो नेचर से लग जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारा नाम भी तो नेचुरल वेजिटेशन है, यानी प्राकृतिक, जो प्राकृति खुद लगाती है जिसको। ठीक है, अब जो हम कल्टिवेट करते हैं क्रॉप्स को, फ्रूट को, ऑर्चर्ड, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेचुरल वेजिटेशन के अंदर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसको प्रकृति ने नहीं, इसको हम लोगों ने अपनी इंटेंशनली लगाया है। ठीक है बच्चों, अब वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है। वर्जिन वेजिटेशन जो प्योरली इंडियन हो, यानी जो भारतीय वेजिटेशन हो, उसको एंडेमिक बोला जाता है या इंडिजीनियस स्पीसीज बोला जाता है। वहीं पे अगर हम कुछ इंडिया से बाहर से कोई वेजिटेशन लेके आते हैं तो उनको एक्जॉटिक प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट फ्लोरा एंड फ्यौना। फ्लोरा डिनोट्स टू प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। कोई भी पर्टिकुलर पीरियड में या कोई भी पर्टिकुलर रीजन, यानी कि किसी भी एरिया के अंदर जो प्लांट्स लगते हैं उनको फ्लोरा बोला जाता है, और वहीं पे जो एनिमल लाइफ होती है या एनिमल की जो स्पीसीज होती है उनको फ्योना बोला जाता है। अब नेक्स्ट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं बच्चों जो हमारे फ्लोरा और हमारा फ्योना दोनों पे ही इफ़ेक्ट डालते हैं, दोनों को ही प्रभावित करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले है रिलीफ। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, रिलीफ फीचर जो फिजिकल फीचर होते हैं किसी भी कंट्री के, तो उसमें क्या क्या है? लैंड और सॉइल। बच्चों लैंड और सॉइल में एक डिफरेंस ये होता है कि हमें हर जगह लैंड मिल जाती है, चाहे वो माउंटेन एरिया हो, चाहे वो प्लेन एरिया हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो कोस्टल लाइन हो, या फिर हमारा घर है, या कहीं पर भी हमें लैंड मिल रही है, लेकिन जो सॉइल है वो हर जगह विजिबल नहीं होती है। तो ये एक दोनों में मेन डिफरेंस होता है। अब जो लैंड होती है बच्चों वो नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से इफ़ेक्ट डालती है। कैसे बच्चों? क्योंकि चाहे माउंटेन हो, प्लेटी हो, प्लेन एरिया हो, ड्राई एरिया हो, सब जगह वेजिटेशन में हमें वैरायटी देखने को मिलती है। सभी जगह पे वेजिटेशन जो है वो सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नेचर ऑफ लैंड की वजह से, वहाँ पे जिस तरीके की लैंड हो वहाँ की वेजिटेशन भी उसी तरह की होगी। अगर फर्टाइल लेवल अच्छा है किसी भी लैंड का तो वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है। वहीं पे जो हमारी लैंड है या फिर जो प्लेन लैंड है वहाँ जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। वहीं पे जो हमारी उबड़ खाबड़ या थोड़ी उबड़ खाबड़ है या सेम फ्लैट लैंड नहीं है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें जंगल मिलते हैं या कुछ घास के मैदान होते हैं, और साथ में वही जगह जो है वो शेल्टर देती है हमारी वाइल्ड लाइफ को, यानी जो हमारे वन्य प्राणी हैं उनको आश्रय भी वहीं पे मिलता है। नेक्स्ट है सॉइल। तो सॉइल यानी मृदा। तो बच्चों बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग हमें सॉइल मिलती है, और उसी सॉइल के बेसिस पे वहाँ की वेजिटेशन भी होती है। अगर सैंडी सॉइल है, यानी अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें, तो वहाँ पे हमें कैक्टस मिलेगा या थ्रोनी बुशेस मिलेंगी। वहीं पे अगर हम वेट एरिया की बात करें तो वेट एरिया में हमें
या डेल्टिक सॉइल जो है वहाँ पे हमें मैंग्रोव वेजिटेशन मिलेगी या डेल्टिक वेजिटेशन मिलेगी। वहीं पे अगर हम हिली एरिया की बात करें या हिल स्लोप्स की बात करें तो वहाँ पे हमें कॉनिकल ट्रीज मिलते हैं। तो बच्चों लैंड और सॉइल जो है वो दोनों ही तरीके से वेजिटेशन के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। अब कैक्टस या थॉर्नी बुशेज जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ हमें ये वेजिटेशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे हमें एक अलग वेजिटेशन देखने को। अब नेक्स्ट फैक्टर है जो हमारी वेजिटेशन पे इम्पैक्ट डालता है, वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, दैट इज़ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी वेजिटेशन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट डालती हैं। तो अगर ऑन द स्लोप ऑफ हिमालयाज द हिल ऑफ द पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 915 मीटर्स द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। अब यहाँ पे टेम्परेचर की कैसे बात चल रही है बच्चों, कि अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारी ढलान है, जो हमारी स्लोपिंग है, तो जितना हम ऊंचा जाएंगे उतनी हमारी जो एल्टीट्यूड है वो इंक्रीज होती जाएगी, और जब हमारी ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होती है तब क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो घटता जाएगा। और आपको पता है टेम्परेचर घटेगा इट्स मीन मौसम जो है वो ठंडा होगा, एटमॉस्फेयर जो है वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि जितना ऊपर जाते हैं, जितना हम पीक पे जाते हैं, जो हमारी हवा चलती है, जो विंड है, वो भी वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी वेजिटेशन के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर, या फिर उसके अंदर जो हमें चेंजेस मिलते हैं उसके अंदर भी। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा फोटो पीरियड। फोटो पीरियड यानी सनलाइट। अब सनलाइट की बात करें, अब इसके ऊपर देखो बच्चों, अगर हम इसके ऊपर टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेजिटेशन जोन, अब इस ये जो हमारी टेबल है, इस टेबल के अंदर हमें काफ़ी सारी टेम्परेचर की करेक्टरिस्टिक बताई है कि कहाँ पे टेम्परेचर घटता है और किस जोन में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। अब अगर हम ट्रॉपिकल की बात करें तो ट्रॉपिकल में जो हमारा एवरेज टेम्परेचर होता है एनुअली वो 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी के अंदर इसका 18 डिग्री हो जाता है, तो वहाँ पे कोई हमें फ्रॉस्ट देखने को नहीं मिलता। वहीं पे अगर हम सब ट्रॉपिकल एरिया की बात करें, सब ट्रॉपिकल जोन की बात करें, तो वहाँ 17 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जनवरी के अंदर 10 डिग्री टू 18 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे हमें फ्रॉस्ट जो है वो बहुत ही रेयर यानी बहुत ही कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम टेम्परेट जोन की बात करें तो वहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और जनवरी के अंदर माइनस में पहुँच जाता है, वहाँ पे हमें स्नो भी देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम प्लाइन वेजिटेशन की बात एल्पाइन वेजिटेशन की बात करें तो वहाँ पे 7 डिग्री से कम मिलता है, और विंटर्स में -1 से भी हमें कम मिलता है, और वहाँ पे हमें स्नो देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कुछ टेम्परेचर की करेक्टरिस्टिक, कुछ टेम्परेचर की हमें विशेषता बताई है जो हमारे वेजिटेशन जोन के हिसाब से थी। अब नेक्स्ट है फोटो पीरियड यानी सनलाइट। हम सबको पता है बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके थ्रू अपना फूड बनाते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो सनलाइट जो है उसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है वेजिटेशन के ऊपर। अब जैसे कि जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे या ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेस इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। अब सनलाइट का जो इफेक्ट होता है बच्चों वो लैटिट्यूड के अंदर, अब लैटिट्यूड के अंदर कैसे है कि आपको पता है कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, इसके सामने सन जो है, तो सन की जो डायरेक्ट रेज है वो इक्वेटर के पास पड़ती है। वहीं पर अगर हमारा जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है वहाँ पर इसकी कम रेज आती हैं, और वहीं पे अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, ये ऊपर हो गया हमारा 90 डिग्री, यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री, तो जितना हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे जाएंगे तो सनलाइट का इफेक्ट भी उतना ही होगा और उतना ही हमारे टेम्परेचर का इफेक्ट भी होता है, साथ में सीजन। अब अगर हम सीज़न की बात करें तो बच्चों सर्दियों के अंदर जो है वो हमें सूरज इतना ज़्यादा चुभता नहीं है और सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा भड़कीली सनलाइट नहीं होती। वहीं पे अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई होता है, जो सन होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। वहीं पे ड्यूरेशन की बात करें तो अभी देखो बच्चों सर्दियाँ चल रही हैं, अभी सर्दियों की स्टार्टिंग हो रही है, तो इस टाइम पे जो ड्यूरेशन है, डेज की जो ड्यूरेशन है यानी रातें जो हैं वो सर्दियों के अंदर बड़ी हो जाती हैं, दिन
मतलब शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है और सुबह देर में सूरज निकलता है। और वहीं पे अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में देर रात तक मतलब अंधेरा जो है वो देर में होता है और सुबह सूरज जो है वो हमें जल्दी दिख जाता है, तो उसमें ड्यूरेशन जो है दिन की वो भी उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जितनी ज़्यादा सनलाइट हमें ट्रीज़ को मिलेगी उतने ही ज़्यादा वो ग्रो करेंगे। अब सनलाइट जो है वो समर में सबसे ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए जो ट्रीज़ हैं ट्रीज़ ग्रो फास्टर इन द समर। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है कि जो हमारा सदर्न स्लोप है हिमालय में, वहाँ पे हमें थिक वेजिटेशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द सेम हिल्स। यानी अगर ये हिल है हमारी यहाँ पे और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो हमारा सदर्न है वहाँ पे थिक वेजिटेशन मिलेगी, और जो हमारा नॉर्दर्न स्लोप है वहाँ पे हमें सेम ही हिल पे हमें वेजिटेशन के अंदर अंतर देखने को मिलता है। वो क्यों होता है बच्चों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। वहाँ पे सनलाइट इतनी अच्छी नहीं मिलती होगी, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश नहीं होता, टेम्परेचर का भी इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो इन सारी फैक्टर्स की वजह से वेजिटेशन सेम हिल के अंदर भी वेजिटेशन में हमें फ़र्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। बच्चों पता है आपको कि बारिश जिन क्षेत्र के अंदर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो अच्छी होती है, डेंस वेजिटेशन होती है, और वहीं पे जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे हमें कम वेजिटेशन देखने को मिलती है। एग्जांपल देख लो, राजस्थान में देख लो, डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, इसलिए वहाँ पे हमें कम वेजिटेशन देखने को मिलती है। वहीं पे जो एरिया है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, माउंटेन एरिया देखो, वहाँ पे हमें हर जगह ग्रीनरी दिखाई देती है। अब प्रेसिपिटेशन बारिश का हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो हमारा मॉनसून है वो जून से सितंबर तक आता है, और जो मॉनसूनी विंड्स होती हैं वो अपने साथ मॉइस्चर और काफ़ी सारी रेन लेके आती हैं, और वो माउंटेन से टकराने के बाद बारिश हो जाती है। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए है, व्हाई आर द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप। अब यही ये बताया हुआ है, आपको पता है वेस्टर्न घाट जो है हमारा अरेबियन सी के पास पड़ता है वेस्ट में, और वहाँ पे ये जो वेस्टर्न घाट है कंटिन्यूस रेंज में होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट की तरफ हमें कम वेजिटेशन देखने को मिल रही है, वेस्ट की तरफ हमें ज़्यादा वेजिटेशन मिलने को देखने को मिल रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? ये प्रेसिपिटेशन के कारण होता है बच्चों। आपको पता है कि हमारी यूरोप से या जो हमारा रेड सी और मेडिटेरियन सी है वहाँ से जब जेट स्ट्रीम्स आती हैं तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, और यहाँ से अरेबियन सी से गुजरती हुई जब वो वेस्टर्न घाट से टकराती हैं तो वहाँ पे बारिश होती है। और इसी का इफ़ेक्ट है कि वेस्टर्न स्लोप की तरफ ज़्यादा बारिश होती है, वेस्टर्न स्लोप जो है वहाँ पे वेजिटेशन हमें ज़्यादा, फॉरेस्ट जो है वो हमें थिक मिलते हैं, और ईस्टर्न स्लोप में बारिश नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डेक्कन, हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू में हमें कम भी बारिश देखने को मिलती है, तो इसलिए वहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो भी हमें कम देखने को मिलती है। ठीक है, अब हैव यू एवर सीन थॉट एज, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फॉरेस्ट के बारे में है। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और हमारी लाइफ के अंदर या हमारी क्वालिटी, हमारे एनवायरनमेंट को एनहेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? सबको पता है जो हम फॉरेस्ट जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और हम जो हैं वो ऑक्सीजन जो है वो एक्सेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक करते हैं, और ह्यूमन बींग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो उसी के बेसिस पे जो हमारा इकोसिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से चलता है। यानी जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम एनिमल्स को देते हैं, और जो चीज़ हमें चाहिए वो एनिमल्स हमें देते हैं, प्लांट्स हमें देते हैं, और वहीं पे जो उनको जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हम उन लोगों को देते हैं। साथ साथ हमें मेडिसिन मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल मिलते हैं, और उससे क्लाइमेट जो है वो भी कंट्रोल में रहता है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट है तो बारिश ज़्यादा होगी, उसके कारण क्लाइमेट जो है वो भी ठंडा होगा, सॉयल इरोजन को कंट्रोल करता है, और सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, सभी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल जो है वो फॉरेस्ट से ही मिलता है, और बहुत सारे समुदायों को लाइवलीहुड यानी रोजी रोटी भी प्रदान करता है, और साथ में एक
जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे हमें रिक्रिएशन के लिए यानी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छे सीन्स भी देखने को मिलते हैं। आप विंड्स को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर और क्यों जो रेन है वो बारिश जो बारिश आती है वो ट्रीज के कारण ही ज़्यादा आती है, और उसके साथ साथ ह्यूमस देता है। ह्यूमस क्या होता है आपको पता ही है, ये एक तरह से खाद होती है जो बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए, और साथ में शेल्टर देता है हमारे जीव जंतुओं को। आपको पता है बच्चों की जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स के कारण, और इसी के साथ साथ कुछ डिमांड्स बढ़ रही है कल्टीवेट लैंड की। क्यों? क्योंकि उसका एक फैक्टर पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है। अब नंबर ऑफ द मेंबर्स बढ़ रहे हैं किसी भी घर के, तब क्या होगा कि उनको जो फूड चाहिए वो भी ज़्यादा चाहिए, और फूड के लिए हमें क्रॉप्स ज़्यादा चाहिए। तो जो बच्चों लैंड है वो तो एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसको हम खींच के बड़ा नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए हम लोग फॉरेस्ट को कट करते हैं और उस जगह पे कल्टीवेशन करते हैं। साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उसके डेवलपमेंट के लिए भी माइनिंग करते हैं हम, खुदाई करते हैं रिसोर्सेज को निकालने के लिए, और अर्बनाइजेशन के लिए शहरीकरण भी बढ़ता जा रहा है, और साथ साथ ओवरग्रेजिंग ऑफ पेस्चर यानी जो जीव जंतु हैं उनको चराने के लिए भी, जीव जंतुओं को चराने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो पशु हैं उनको चराने के लिए भी पेड़ जो है हमारी ग्रीनरी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ भी दी हुई है बच्चों, एक में वन महोत्सव सेलिब्रेट करना है जो हमने पहले भी किया हुआ है। आपको एक टास्क मिला था जिसके अंदर आपको कोई भी प्लांट लगाना था, ठीक है, और दूसरा ये जो एक ऊपर ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ के अंदर देख के हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट जिसने कवर किए हुए हैं, और दूसरा यूनियन टेरिटरी जहाँ पे फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा, उस यूनियन टेरिटरी का नाम देना है जिसको फॉरेस्ट ने ज़्यादा कवर किया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो टाइप ऑफ वेजिटेशन यानी कितनी प्रकार के हमारे वनस्पति है, सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब एंड माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये पांच प्रकार की हमारी वनस्पति होती हैं जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है एवरग्रीन यानी ये पूरे साल जो है ये हरे रहते हैं, और इस कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, और बारिश के कारण वहाँ पे जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अब कौन कौन से एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप अंडमान एंड निकोबार अपर पार्ट ऑफ द असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। अब ये जो एरिया है ये इन्होंने कवर किया हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है ईयरली, और यहाँ पे जो हमें ट्रीज मिलते हैं वो 60 मीटर के और कई कई बार उससे अबव भी हो जाते हैं। देखो बच्चों ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर के अंदर ट्रीज देखो, इस ट्रीज के भी ऐसे फ्लोर से बने हुए हैं, काफ़ी लेयर हमें ट्रीज के अंदर देखने को मिलती है, और हाइट भी इनकी देखो 60 मीटर तक पहुंचती हुई है, और कई बार उससे भी ज़्यादा हमें ऊंचाई देखने को मिलती है। अब कुछ साथ साथ हमें यहाँ पे क्रीपर्स भी हैं, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको अभी बताया, और ये एवरग्रीन है तो ये कभी भी इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है जब ये अपनी पत्तियों को छोड़ते हैं यानी पत्तियाँ इनकी गिरती हैं, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता, और ये पूरे साल जो है हरे रहते हैं। अब यहाँ पे देखो एक मैप दिया हुआ है, उस मैप के अंदर हमें कौन कौन से हमारे फॉरेस्ट हैं जो हमारे किस एरिया को कवर करते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ग्रीन कलर जितना शो कर रहा है यहाँ पे, वो हमारे टिपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। हमारी कोस्टल लाइन को इन्होंने पूरा कवर किया हुआ है, उसके अलावा कुछ हमारे ईस्टर्न स्टेट्स को भी कवर किया हुआ है यहाँ पे भी देखिए आपको। अब दूसरा जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब अगर हम बात करें बच्चों एरिया की, तो जो डेसिडियस फॉरेस्ट है उसने सबसे ज़्यादा कवर किया हुआ है देखिए हमारे इंडिया को, सिर्फ ये जो एरिया बीच का उन्होंने छोड़ा हुआ है वो डेकन प्लेट्यू का, और यहाँ से ये चीज़ छोड़ी हुई है। नेक्स्ट ग्रीन कलर में देखो, अब बच्चों डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। टू पार्ट्स में कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगी।
नेक्स्ट माउंटेन फॉरेस्ट, देखिए ऊपर जो माउंटेन एरिया है यहाँ पे, और कुछ इस तरफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा एरिया कवर किया हुआ है, और नेक्स्ट ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट यानी कंटीली जो झाड़ियाँ हैं। अब ये जो आपको बिल्कुल लाइट कलर दिख रहा है, ये हमारे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा हाँ, जो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसके अंदर हमें कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, ये देखिए हमें वहाँ पे एलिफेंट, मंकी, लेमर और डियर, ये कुछ एनिमल्स हैं जो वहाँ पे कॉमनली मिलते हैं, और साथ साथ वन हॉर्न राइनोसॉरस यानी एक सिंग वाला जो राइनोसॉरस गैंडा होता है वो देखने को वहाँ पे असम और वेस्ट बंगाल के जंगलों में देखने को मिलता है। साथ में कुछ वहाँ पे बर्ड्स भी हैं, जैसे बैट हो गया, स्लॉथ हो गया, स्कॉर्पियंस हो गया, और स्नेल जो है ये भी इन जंगलों के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो बच्चों ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है उसके अंदर रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर तक होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था टू पार्ट्स में बटे हुए हैं, तो जो ड्राई है वहाँ पे 70 सेंटीमीटर होती है और जो वेट है वहाँ पे 200 सेंटीमीटर होते हैं। अब कुछ 6 to 8 वीक होते हैं ड्राई सीजन में जब अपने ये पत्तियों को छोड़ते हैं यानी इनकी पत्तियाँ गिरती हैं, और अब पानी की जो उपलब्धता है उसके आधार पे इसको दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहला है मॉइस्चर, मॉइस्ट वाला जो, और दूसरा है ड्राई जो सूखा, जहाँ पे बारिश कम होती है। अब रेनफॉल का मैंने आपको बता दिया था, उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से एरिया है जो इन्होंने कवर किए हुए हैं, तो फुटहिल ऑफ द हिमालयस, हिमालय के जो फुटहिल्स हैं वो, उसके अलावा झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और साथ साथ वेस्टर्न घाट के जो ईस्टर्न स्लोप्स हैं वो भी इन्होंने कवर किए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं, बैम्बूज मिलते हैं, शाल मिलते हैं, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन और मेलबरी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। अब जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है बच्चों, वहाँ पे 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और जो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है और उसके साथ साथ जो बिहार का प्लेन या उत्तर प्रदेश का प्लेन क्षेत्र है वहाँ पे हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, टीक हो गया, सैल हो गया, पीपल हो गया, नीम, इस तरीके के जो प्लांट्स हैं, इस तरह के जो ट्रीज हैं वो हमें यहाँ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। और एनिमल लॉयन, टाइगर, पिक, डियर, एलिफेंट, ये कुछ एनिमल्स हैं जो हमें देखने को वहाँ मिलते हैं। कुछ बर्ड्स भी, लिजर्ड भी, स्नेक्स और टर्टल्स भी हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। अब नेक्स्ट है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब। थॉर्न फॉरेस्ट क्या होता है बच्चों, कंटीले जो जंगल होते हैं उनको थॉर्न फॉरेस्ट कहा जाता है। अब ये जो सीज़न है, अभी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ हमें थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ कम 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलती है वो कंटीले पेड़ होते हैं या झाड़ियाँ होती हैं। आपने कांटों वाले जो पेड़ होते हैं या फिर जो झाड़ियाँ होती हैं, जैसे कैक्टस का पेड़ देख लो आप, या फिर उसके अलावा बेर का पेड़ देख लो, तो ये जो वेजिटेशन है ये इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये रेगिस्तान एरिया में या फिर जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे ये चीज़ सेमी एरिड एरिया, यानी जो बहुत ज़्यादा सूखा भी ना हो और जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे बारिश भी ना होता है, एरिड जो होता है वो शुष्क एरिया के लिए बोला जाता है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पे ये कुछ पेड़ यहाँ पे इन क्षेत्रों के अंदर हमें थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और कुछ ये पेड़ हैं जो यहाँ की मेन प्लांट स्पेसेस हैं। अब ये जो झाड़ियाँ होती हैं बच्चों, ये स्कैटर्ड होती है यानी बिखरी हुई होती है, और इनकी रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक होती है ताकि ये सॉइल से मॉइस्चर ले सके, क्योंकि बारिश तो ज़्यादा होती नहीं है इसलिए इनको पानी नहीं मिल पाता, इसलिए ये अपनी जड़ों के थ्रू लैंड जो सॉइल है उससे मॉइस्चर लेती है। और आपको पता है कि इनके जो पत्तियां होती हैं ये ऐसे काफ़ी चौड़ी पत्तियां होती है, देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई भी दे रही होंगी,
ये देखिए आपको, ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, छोटी छोटी झाड़ियां दिख रही हैं, ये ऊपर थोड़ी कम भी होती है और इनकी जो जड़ें होती हैं ये अंदर तक बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, और इनकी लीव्स जो है ये थोड़ी ब्रॉड होती है जिसके अंदर ये पानी को स्टोर कर लेते हैं, और इनका जो स्टीम होता है, जो तना होता है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में ये उस पानी को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, माउंटेन फॉरेस्ट यानी माउंटेन पे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको माउंटेन फॉरेस्ट बोला जाता है, और जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा टेम्परेचर उतना डिक्रीज होता जाएगा, और साथ साथ उसका इफेक्ट जो है वहाँ की नेचुरल जो वेजिटेशन है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। अब 1000 से 2000 मीटर तक जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे जो पेड़ लगते हैं वो कौन कौन से हैं, ओक हो गया और चेस्टनट का। वहीं पे 1500 से 300 मीटर तक जो फॉरेस्ट के अंदर जो हमें पेड़ देखने को मिलते हैं, जो ट्रीज मिलते हैं, वो होते हैं पाइन, डियोदर, सिल्वर फिर, स्प्रॉस और सीडर। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे मिलते हैं। तो इसकी ऊंचाई जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम किसी भी माउंटेन एरिया की बात कर रहे हैं तो वो अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो अलग होगी, यहाँ पे है तो यहाँ पे जो वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगी वो अलग होगी, और हर ऊंचाई के हिसाब से वेजिटेशन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि माउंटेन एरिया है तो हर जगह हमें सेम वेजिटेशन मिलेगी, ठीक है। अब कौन कौन से एनिमल हमें, और ये जो माउंटेन एरिया है यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी, काफ़ी ज़्यादा ग्रासलैंड भी मिलता है, और वहाँ पे जो एक नॉमडिक ट्राइब्स है यानी एक वहाँ पे जनजाति रहती है जो गुजर और बकरवाल इस नाम से जाने जाते हैं, और वो लोग अपने जानवरों को वहाँ पे चराने के लिए उस वेजिटेशन का यूज़ करते हैं। अब वहाँ पे हमें कौन कौन से एनिमल देखने को मिलते हैं, आर कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतीन एंटलॉप, स्क्वेरल, शैगी हॉर्न, वाइल्ड इबेक्स, बियर और रेयर रेड पैंडा, शीप एंड गॉट। अब बच्चों यहाँ पे जो हमें एनिमल मिलते हैं वो ऐसे एनिमल मिलते हैं जो कम टेम्परेचर में भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। आपको पता है जितना ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर उतना ही कम होगा, उतनी ज़्यादा वहाँ पे बर्फबारी होगी, स्नोफॉल होगा, तो ये जो एनिमल है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाल भी होते हैं, थिक हेयर होते हैं जिससे ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और आपको पता है कि जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो शीप्स और गोट की जो वूल है उसको यूज़ करके अपने काफ़ी गर्म जो वूलन्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो बच्चों कोस्टल एरिया पे हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारी कोस्टल लाइन है उस पर जो हमें फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे वो मैंग्रोव फॉरेस्ट होंगे, और जो टाइड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। टाइड क्या होते हैं बच्चों, समुद्र के अंदर जो लहर आती है उसको टाइड्स बोला जाता है, जिससे मड जो है या सिल्ट जो है वो भी हमारे कोस्ट के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। टाइड्स जो है बच्चों उस जो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है उसको भी टाइड कहा जाता है, जो बहुत तेज लहर जो आती है उसको, और उसके कारण किनारों पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। अब यहाँ पे जो हमें फॉरेस्ट मिलते हैं उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है, जो उनकी जो रूट्स होती हैं बच्चों वो काफ़ी आपस में ऐसे ऐसे मिली हुई होती हैं, आपस में इकट्ठी होती हैं। वो क्यों होती है बच्चों, वो इसलिए होती है कि अगर पानी की लहर आए तो इनको बहा के ना लेके जाए। अगर इनकी ये अलग अलग रूट्स होगी इनकी तो क्या होगा, इजीली अपने साथ उनको बहा सकती है। और यहाँ पे ऐसे देखिए, ये कोई ट्री है, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे ट्री, इस तरीके से आपस में मिली हुई जड़ें होती हैं ताकि ये काफ़ी स्ट्रांग रह सके। और इसके ऊपर ऐसे ट्री होते हैं जिनसे पानी के अंदर जो भी टाइड्स आए वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब आपको पता है कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, क्योंकि वहाँ से हमें ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ये आपस में जुड़ी भी होती हैं और ये पानी के अंदर सबमर्ज भी होती हैं, और
ये हमें ज़्यादातर उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहाँ पे रिवर जैसे गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये रिवर वहाँ से गुजरती हैं और इसको कवर, ऐसी वेजिटेशन को कवर करती है। अब जो अगर हम मोस्टली देखा जाए तो जो हमारी डेल्टा होता है वहाँ पे ये हमें ये इस तरह के ट्रीज मिलते हैं, जैसे सुंदरी ट्रीज हो गए। सुंदरी ट्रीज जो हैं बच्चों वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अंदर मिलते हैं, और आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। और वहाँ पे कुछ और तरह के भी पेड़ मिलते हैं, जैसे पाम हो गया, कोकोनट हो गया, कोरिया हो गया, अगर हो गया, तो कुछ इस तरीके के इस तरह के ट्रीज जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और कुछ अलग डेल्टा पार्ट में भी ये मिलते हैं। अब यहाँ पे एनिमल कौन सा है, तो यहाँ पे एनिमल जो है हमें रॉयल बंगाल टाइगर जो बहुत फेमस है वो देखने को मिलता है, वो फॉरेस्ट में हमें यहाँ मिलता है। अब टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, गैरियल हो गया, स्नेक्स हो गया, तो ये इस फॉरेस्ट के अंदर इस प्रकार के वाइल्ड हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ, जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था कि हमारे इंडिया के अंदर 90,000 एनिमल स्पाइसेस मिलते हैं और 2,000 प्रजातियां जो हैं हमें वो बर्ड्स की मिलती हैं। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल, यानी सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम हाथी की बात कर रहे हैं। और हाथी जो मैमल, जिसको आपको पता है जो दूध पीते हैं, स्तनधारी जानवर जो होते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमें असम में, कर्नाटक में, केरल के अंदर जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे मिलते हैं। साथ साथ यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसॉरस यानी एक सींग वाला जो गैंडा है वो भी मिलता है, जो पश्चिम बंगाल और असम के दलदली एरिया में रहता है वो यहाँ पे है। और साथ साथ यहाँ पे रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट के जंगली गधे या ऊंट भी रहते हैं। साथ साथ कुछ इंडियन बफलो या भैंसे जिसको बोला जाता है वो, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग या कुछ अलग एंटलॉप भी देखने को मिलते हैं। साथ साथ हिरन की भी काफी ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे मंकी भी हमें काफी वैरायटी के अंदर मिलते हैं। अब आपको पता, डू यू नो में लिखा हुआ है कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया था। अब आपको पता है बच्चों कि जो इंडिया है वो काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो इसके अंदर हमें टाइगर और लायन साथ साथ, और ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमारा जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात के अंदर वहाँ हमें मिलते हैं, और जो टाइगर है वो मध्य प्रदेश या सुंदरबन जो डेल्टा जिसकी अभी हमने बात की थी वेस्ट बंगाल के अंदर वहाँ, और हिमालय की रीजन में मिलता है। लेपर्ड, तेंदुआ जिसको बोलते हैं, जो कैट फैमिली का ही एक मेंबर है, वो भी हमारे एनिमल्स के लिए, वो भी शिकारी जानवरों की जो फैमिली है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों आज हमने, अब इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे एक्ट हैं, काफ़ी सारे नियम और कानून बनाए हैं जिससे हम अपनी वाइल्ड लाइफ को और हमारी प्लांटेशन को प्रोटेक्ट कर सकें। जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब कुछ जो एनिमल स्पीसीज हैं ये अब हमें देखने को मिलती ही नहीं है, वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे एक्ट बनाए हैं जिनसे हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये चैप्टर अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक